नए साल पर दरभंगा वासियों को स्पाइस जेट की ओर से नए साल का तोहफा मिलने जा रहा है। जब से दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुआ है तब से अन्य शहरों से उड़ान सेवाओं को जोड़ने को लेकर लोग जोर डाल रहे थे कि आखिर कब अन्य महानगरों से दरभंगा जुड़ेगा। जल्द ही नए साल पर स्पाइस जेट दरभंगा वासियों को नए साल का तोहफा देने जा रहा है। बताते चलें कि पहले ही महीने दरभंगा ने बतौर उड़ान एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या में इतिहास लिखा है। पहले महीना ही दरभंगा एयरपोर्ट से आवाजाही करने वाले यात्रियों की संख्या ने 30,000 के आंकड़े को पार किया है, जिसके बाद से ही स्पाइस जेट सहित अन्य विमानन कंपनियों के द्वारा दरभंगा से सेवाओं को लेकर उत्साह दिख रहा है। स्पाइस जेट की नई शहरों तक हवाई सेवा को इससे जोड़ा जा रहा है। वही जल्द ही एयर इंडिया का भी दरभंगा से सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। बताते चले कि आपको दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई शुरू होने के एक महीने बाद ही उत्तर बिहार के लोगों को कई अन्य महानगरों तक सीधी हवाई सेवा का सौगात मिलने वाला है। मालूम हो कि 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई सेवाएं शुरू किया गया था। अब दरभंगा एयरपोर्ट से मिल रहे यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए जल्द स्पाइस जेट कुछ अन्य महानगरों तक भी अपनी हवाई सेवाओं को विस्तार देने जा रहा है। बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट से जनवरी से हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट हवाई सेवा शुरू करने वाला है। 11 जनवरी से स्पाइस जेट द्वारा दरभंगा अहमदाबाद के बीच सेवा की शुरुआत की जाएगी। वही हैदराबाद और पुणे तक का भी दरभंगा से सफर 18 जनवरी से आसान हो जाएगा। जहां दो शहर भी दरभंगा से सीधे जुड़ रहा है, इन शहरों की बुकिंग कंपनी द्वारा शुरू कर दी गई है। दरभंगा अहमदाबाद के बीच स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG-120 रोजाना उड़ान भरेगा। वही हैदराबाद के लिए स्पाइस जेट की फ्लाइट संख्या SG-116 का परिचालन शनिवार छोड़ हर दिन किया जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई के बाद पुणे भी दरभंगा से सीधे जुड़ने वाला दूसरा शहर बन गया है। हैदराबाद की तरह ही पुणे के लिए भी शनिवार छोड़कर बाकी सभी दिन सीधे विमान सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। बताते चले कि पुणे दरभंगा के बीच फ्लाइट संख्या SG-114 उड़ान भरेगा। बताते चले कि दरभंगा पहले ही महीना में अपना इतिहास लिख चुका है।